आपका आपके हमारे चैनल पावलॉग से, मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से, और जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ। थकावट बहुत ज्यादा हो गई है और मेरी शक्ल और मेरे बालों के हालात देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं खेत खलिहान से काम मिट्टी वगैरह खोद के आई हूँ, लेकिन मैं ऑफिस से ही आई हूँ। और कल की वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, ये मेरा आदि है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। कल हम गए थे, यानी संडे को हम गए थे, ये वीडियो शायद ट्यूसडे तक आ पाएगा क्योंकि रोज वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्यूसडे या वेनसडे को आएगा। तो हम संडे गए थे आदि की बुआ के घर में, जहाँ पर मैंने उनका एक छोटा सा हाउस टूर भी करवाया था, और मुझे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पर उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट थी कि दीदी आप ना बहुत हम्बल हो, आपको आप जो चीज़ें सीखते हो वो मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बोलूँगी इसमें हम्बल वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, मेरी बचपन से ही आदत है, मैं हमेशा जो भी मुझे मिल जाता है कि मुझे ये सीखना है मैं उससे सीख लेती हूँ। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि ये मुझे नहीं आता ये बोलने में, मुझे जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो आता है, बस ऐसा है कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकती हूँ। आज मुझे धक्का दे रहा है, मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होती है, मुझे हर चीज़ नहीं आ सकती है। तो मैं जो भी मुझे मिले, चाहे मेरी उम्र से छोटा हो, बच्चा हो या कोई भी हो, मैं सीखने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि यार दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि आप पूरी कभी भी नहीं सीख सकते हो। और मैंने ये जो मेरी अकेडमी है, जो पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप देखोगे मैंने अकेडमी का टूर भी करवाया है। तो अगर वो वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। पहले जब मैंने अकेडमी स्टार्ट की थी तो हम यहाँ इस जगह पे नहीं थे, हम एक दूसरी जगह थे, वो काफ़ी छोटी जगह होती थी। एक चटाई से मैंने स्टार्ट किया है, जो चटाई मेरे ख्याल 80 या 100 रुपये के बीच में होगी। नीचे बैठ के हम पढ़ाई करते थे, और आज जब सब कुछ सही हो गया है तो आप अकेडमी देख सकते हो कि डबल स्टोरी अकेडमी है, सब मतलब हाई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास, सब कुछ हमने प्रोवाइड करवाया है। हमने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है अपनी अकेडमी में किया है, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर जाके देख सकते हो। अगर यहाँ पर मुझे लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल आज भी वही चटाई होती, वही 80 और 100 रुपये वाली, महंगाई बढ़ गई है तो वही चटाई जो है आज मुझे शायद 150 या 200 रुपये में मिलती, बाकी कोई फ़र्क नहीं आया होता। बोलते ना आदमी यहाँ से अगर मतलब सोच ले कि मुझे सब कुछ आता है तो उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे ना दोस्तों एक चीज़ और बताती हूँ, मैं बचपन में मेरे को ना मेरी गलती के कारण मार और डांट नहीं पड़ती थी। हाँ बेटू, मुझे जो डांट और मार पड़ती थी ना वो इसलिए पड़ती थी क्योंकि जब कोई दूसरा बच्चा शरारत करता था ना, जैसे मेरे कजन वगैरह, तो मेरे से पूछते थे उस समय कि ये किसने किया, तो मैं कभी नहीं बताती थी कि इस आदमी ने भी किया, तो जिसके कारण मुझे जो है वो डांट और मार पड़ती थी। मेरी अभी भी वही आदत है। 2 मिनट में अभी आपसे बात करती हूँ। दादी को क्या है, चॉकलेट चाहिए थी तो मुझे चॉकलेट की इज्जत कर रहा था। जब भी मैं ऑफिस जाती तो उसको ये लगता है कि मम्मा चॉकलेट लेके आई है, तो मैंने उसको चॉकलेट दे दिया है, यहीं रखा रहता है, और वो ऐसा है कि बैक टू बैक खाने की कोशिश करता है, और बड़ी मुश्किल से उसके मैंने दांत बचाए हुए हैं, नहीं तो बच्चों के दांत में कैविटी हो जाती है। और आदि हमारे 4 साल का कंप्लीट हो गया, 5वें में लगी, अभी 18 नवंबर को उसका एक भी दांत टचवुड की कैविटी कुछ नहीं लगा है। तो मैं अपनी पुरानी बात कंप्लीट कर लेती हूँ कि बचपन में ना मुझे अपनी गलती के कारण मैं शरारतें वगैरह नहीं करती थी ज़्यादा, मुझे शरारतों के कारण मारनी पड़ती थी, मुझे मार पड़ती थी ना, जो मेरे साथ वाले शरारत करते थे, कुछ ऐसी शरारतें जिसमें बड़ों को गुस्सा आ जाता था, तो मेरे से पूछते थे किसने किया, तो मैं कभी नहीं बताती थी। यही मेरी आदत अभी है कि मेरी किसी के साथ भी कोई बातचीत होती है, मैं मतलब यहाँ कोई लोग की आदत होती है ना पीठ पीछे गॉसिप करने की, मेरी वो आदत अभी तक नहीं है। मैं जहाँ से जो बात होती है वो मेरे पास तक ही रहती है, उसके बाद कहीं नहीं जाती, यानी मैं कह सकती हूँ ना कि मुझे गॉसिप का शौक बिल्कुल नहीं है। यही कारण था कि मैंने 2009 से काम करना स्टार्ट किया प्रोफेशनली। वैसे तो मैंने जब मैं खुद 11 साल की थी तब से मैंने कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया है बच्चों को, बट वो ये ऐसा ही था कि 2, 3, 4, 5 ऐसे बच्चे थे, बट 2009 से मैंने प्रोफेशनली कोचिंग देना स्टार्ट किया, और आज 2021 है, तो पूरे अभी तो 2021 में फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सोशल हो चुकी हूँ, क्योंकि काम ही क्या है और कोई काम ही नहीं है। लेकिन 2019 तक मैंने आंख बंद करके सिर्फ काम पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ काम पे। ऐसे ही एक चटाई से ना इतने सारे डेस्क और स्मार्ट क्लास नहीं बन सकती है, आपको सब कुछ अपना झोंक देना होता है, तब कहीं जाकर जो है आपको सक्सेस मिलती है। अभी मैं सक्सेस मैं सेटल नहीं हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ आती नहीं कि मैं सेटल हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में करनी है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, तो तब मानूंगी हाँ यार कुछ किया है लाइफ में,
कि लोग मुझे अपने आइडल बता सके, तब शायद मुझे लगेगा कि यार कुछ तो किया है मैंने. अगर मैं भी इन इन सालों में गॉसिप करना, रोज अपने घर फोन करना, मैं अपनी मम्मी को भी बहुत कम हर चीज़ से मैं हट चुकी थी कि नहीं मुझे काम पे फोकस देना है. क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी, मेरी नानी ने एक चीज़ अच्छे से बोली थी कि जब तक आप किसी लेवल पर नहीं पहुंच पाते हो ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है. कोई वैल्यू नहीं होती ना सोशल में, इवन देन परिवार में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है. आप कितना भी अच्छा सजेशन दो, लेकिन अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपका वो सजेशन जो है वो जीरो है, जीरो. आपके लोग बात नहीं मानेंगे. इसीलिए पहले एक लेवल अचीव करो, यानी पहले एक ऊंचे स्थान पर जाओ, तब कहीं जाके लोग भी आपकी बात मानेंगे और आपकी सलाह मानेंगे. क्योंकि बोलते हैं ना, पावर ज़्यादा बड़ी होती है. और इस लॉकडाउन में ये तो समझ में आ ही गया होगा यार, बहुत बात कर ली मैंने, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ. The next day, और ये दिन के दो बजे का टाइम है, तीन भी नहीं बजे है, 2 बजे का टाइम है. और काले बादल छा गए हैं और एकदम तूफान आ रहा है. और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो हिल रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है. और आखिरकार जो है वो बारिश हो ही गई है. ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही. और ये देखिए रात का मेरा डिनर और पूड़ी आज मैं खा रही हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन खा रही हूँ. थैंक यू सो मच.